हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके आपके सीए फाउंडेशन का रिजल्ट या तो आ चुका है या फिर आने वाला है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, पहले तो मैं बता दूं, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटजी हमारा क्या होगा रिजल्ट आने के बाद। एक ग्रुप दूं, दोनों ग्रुप दूं, या फिर मैं पहले फर्स्ट ग्रुप दो फिर सेकंड ग्रुप दो, या पहले सेकंड या फर्स्ट, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठेंगे। मेरी कैपेबिलिटी क्या है, सीए फाउंडेशन रिजल्ट आने के बाद मैं सीए कंटिन्यू करूं ना करूं, बहुत सारे सवाल आएंगे। आप 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, ये मेरा सजेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। स्ट्रेटजी क्या होगा, करना क्या है, वो आपने खुद अप्लाई करना है। आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें ये मत कहना कि सर ने बोला इसलिए मैंने डिसीजन लिया, नहीं, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपको देखना मेरे बच्चे। पहले तो सीए फाउंडेशन रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे पास हो गए हैं उनको बहुत सारा आपको बधाई। आप इंटर में आ चुके हैं, एक स्टेप पार करने के बाद दूसरे स्टेप में आप आ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने नाम के साथ अपने क्वालिफिकेशन को जोड़ेंगे, मुझे ऐसा आशा है, और मैं आपको इसके लिए बधाई भी देता हूँ। जो बच्चे पास नहीं हुए उनको भी परेशान नहीं होना, ये लाइफ है मेरे बच्चे, सीए प्रोफेशन है। जरूरी नहीं कि जो बच्चा आज पास हो गया आप फेल हो गए तो वो हमेशा के लिए आपसे आगे रहेगा। आप जब चाहो तब जो कमियां इस बार रही फाउंडेशन के अंदर में, दूसरों को देखे बगैर जो कमियां रही उसको दूर कीजिए, और आप अब आगे एक बार दोबारा आप लगी उसके ऊपर, मुझे पता है कि आप इसको दोबारा जब करेंगे तो अपनी कमियों को दूर करके और फिर आप आगे निकलेंगे, मुझे विश्वास है। आपको भी अपने पर विश्वास होना चाहिए। सर पास फिर से ना हुए तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऐसा दुनिया में चीज़ नहीं बना जिसको हम नहीं पा सकते। तरीका गलत हो सकता है, हम उसको सुधारेंगे, मेहनत की कमी हो सकती है, हम उसको सुधारेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमने सपने देखे तो हम उसको पूरा करेंगे ही करेंगे, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भी कई सारे बच्चे जिनको 100% या 90% फेल हो गया कि नहीं जी मैं सीए नहीं कर सकता, अगर फेल हो गया बहुत टफ है आपको लगता है ऐसा, जबकि है नहीं, तो आप इसको क्विट कीजिए और लाइफ को अच्छे डायरेक्शन में जो मन करे उसमें लेके चले। परेशान थोड़ा ही होना है, लाइफ यही थोड़े रुक गई, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो आप छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं फाउंडेशन उन बच्चों की बात करूँ जो बच्चे फाउंडेशन पास कर चुके हैं। फाउंडेशन पास करने के बाद अब मैं क्या करूं, एक ग्रुप दूं, दो ग्रुप दूं, या फिर दोनों एक साथ दूं, या पहले कौन सा दूं। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, रिपीट कर रहा हूं, मेरा सजेशन है, करना आपने खुद है। अगर आप, मेरा कहने का मतलब, अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट हो, मतलब अभी आपने 12th क्लास पास किया था और आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के साथ साथ आपने सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिया था और आप पास कर गए, तो अब ध्यान रखना है कि हमें, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होगा कि हमें डिग्री को पाना है। और इसके लिए मेरे बच्चे, मैं, अगर मैं छोटा हूं, अभी मैं 12वीं क्लास पास किया और बीकॉम के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हूं, तो मैं एडवाइस करता हूं कि एक एक ग्रुप की तैयारी कीजिए, क्योंकि एक्चुअली सीए इंटर में जो लेवल ऑफ आपका स्टडी होगा, पढ़ने का जो तरीका होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू सीए फाउंडेशन। यहाँ पे और इन डेप्थ होकर चीज़ों को समझना है और अच्छी पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चे, वही बातें हमें अपने रियल लाइफ में यूज करना है। हमें अपने अभी जो आर्टिकलशिप तैयारी होगा उसमें आपको यूज करना, तो पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से, सिर्फ पास नहीं होना, हमें उसके अंदर में घुसना पड़ेगा। आपके जो फाउंडेशन के रिजल्ट आए हैं और जो आपका इंटर का जो अटेम्प्ट पड़ेगा, लगभग उसमें आपके 9 महीने का, 8-9 महीने का टाइम होता है। तो मैं कहता हूं कि अगर मान लो मैंने क्या क्या ग्रुप 1 को सिप दिया, तो मेरे पास एनफ टाइम होगा पूरी इसको तैयारी करने का। अकाउंटिंग यहाँ पे आपको पढ़ना होगा अच्छे लेवल का, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस जो आपने फाउंडेशन में शुरू किया था उसको और इंडेप्थ में लेके जाएंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये बहुत प्यारा चीज़ है जो आपको भी सीखना होगा, एंड टैक्सेशन इंक्लूडिंग आपका जीएसटी, इनकम टैक्स और कैसे होता है, जीएसटी पर तो बहुत सारी बातें जो समझना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं अभी अंडर ग्रेजुएट हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वालों की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तो आपके लिए सब कुछ नया है मेरे बच्चे। बेस्ट होगा कि एक ग्रुप की तैयारी कीजिए, पहले इसको पास करो, फिर दूसरे ग्रुप को आप तैयारी करो, फिर इसको पास करो, दूसरे ग्रुप में अगेन एडवांस अकाउंटिंग है और थोड़ा अच्छे लेवल का अकाउंटिंग आएगा, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस आपका है, आपका EIS एंड SM है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस, ये 4 पेपर यहाँ पढ़ने होंगे। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप बीकॉम के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, यानी कि आप छोटे बच्चे हैं, तो एक ग्रुप को दीजिए, पहले इसको दीजिए, फिर इसके बाद यानी कि पहले ये, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ से यूज होते हैं। तो पहले ग्रुप वन दो, फिर आप ग्रुप टू दो और काम पूरा करो। अगर आप बीकॉम के थर्ड ईयर में हो और सीए फाउंडेशन आपका निकला हुआ है, या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो और फिर आपने सीए फाउंडेशन निकाला हुआ है, या ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली आप इसमें सीए इंटर में एडमिशन आपने लिया हुआ है, तो मेरे बच्चे फिर आप चाहो तो दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो, चाहो तो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब थर्ड ईयर में होते हो बीकॉम के, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो मेरे बच्चे आप देख रहे होंगे सारे जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं इनको आपने इस लेवल तक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा लेवल को हमें बढ़ाना होता है, थोड़ा सा और हाई लेवल, तो काम बन जाएगा। मतलब आप मेच्योर्ड हो एनफ दोनों ग्रुप देने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली सीए में क्या होता है ना कि हम लोग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, माइंड से काम करते हैं, हमें बॉडी से काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं जी मैं 24 घंटे काम करूंगा तो हो जाएगा। यहाँ पे बहुत प्लान्ड वे में काम करना होता है। तो बाकी आपकी मर्जी है। क्या सर जो बच्चे फाउंडेशन पास करते हैं और मान लो कि वो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है बीकॉम के, तो क्या वो छोटे बच्चे एक साथ ग्रुप नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं बच्चे। अगर आपको लगता है अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं जी मैं दोनों ग्रुप एक साथ दे सकता हूँ, तो दो ना, कौन रोकता है आपको? बहुत सारे बच्चे निकालते भी हैं, बहुत सारे बच्चे निकालते हैं, आप भी निकाल सकते हो। लेकिन जोश में आके डिसीजन मत लेना, दूसरों के बात में आके डिसीजन मत लेना, सेल्फ एनालिसिस करना कि आपके लिए बेस्ट क्या है और वो काम। अगर लगता है कि यार निकालूंगा तो ठीक है, दोनों ग्रुप एक साथ दीजिए। लगता है कि नहीं जी मैं एक एक ग्रुप करके निकालूंगा तो एक एक ग्रुप, मतलब एनालिसिस होना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस, ना कि जोश में आके काम करना चाहिए। हाँ, अगर आप प्लान कर भी रहे हो कि मैं दोनों ग्रुप एक साथ दूंगा, तो देखो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तब भी बता रहा हूँ मेरे बच्चे, मैंने देखा हुआ है 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में प्लान करते हैं कि मुझे दोनों ग्रुप देना है, आगे जाते जाते बोलते हैं मुझे एक ही ग्रुप देना है, या फिर कोई ग्रुप की तैयारी नहीं हो पाया तो इस बार में एग्जाम को अगली बार दे दूंगा, पोस्टपोन कर लेते हैं एग्जाम को। ये गलत है। जब आपने डिसाइड किया, और ऐसे प्रोफेशन में जो हम सीए की बात कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोफेशन के अंदर में मेरे बच्चे आपको पोस्टपोन करना एग्जाम को या फिर तैयारी नहीं हो पाई, ये ठीक नहीं लगता। आप उतना ही तैयारी करना शुरू करो जितना आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बोलते हो कि नहीं जी मुझे दोनों ग्रुप देना है, क्यों देना है? क्योंकि जब दोनों ग्रुप आप एक साथ देते हो ना, तो आपको रैंक मिलता है। अगर आपका सपना रैंक लेने का है, रैंक तभी मिलेगा जब दोनों ग्रुप एक साथ देंगे। अकेले अकेले ग्रुप देंगे तो उसे कुछ खास, मतलब खास के उसे रैंक मिलता ही नहीं बच्चे। रैंक के लिए कंडीशन के दोनों ग्रुप साथ देना है, बट रैंक हमारे स्ट्रेटजी को डिसाइड नहीं करेगा। इस बात को याद रखना, स्ट्रेटजी जो है ना वो रैंक को डिसाइड करेगा। फर्क है दोनों में। रैंक लाना है इसलिए दोनों ग्रुप देना है, गलत है। दोनों ग्रुप साथ दूंगा, इस स्ट्रेटजी के साथ काम करूंगा, रैंक आएगा, वो अलग बात है। मैं बता रहा हूं, अगर आपका मन करता है कि दोनों ग्रुप साथ देना है, मैं निकाल लूंगा, मैं पढ़ाई कर लूंगा, तो मेरे बच्चे तब भी आप क्या करना, पहले एक ग्रुप की तैयारी करना और आप टारगेट रखना कि यार हमारे पास क्या है जी कि हम इसको 3 to 3.5 मंथ्स में क्या करेंगे, पहले इसको फिनिश कर लेंगे। ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर आप दोनों ग्रुप को भी साथ देना चाहते हैं, या जो बच्चे दोनों ग्रुप तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा, पहले एक ग्रुप की पूरी तैयारी करना, और जब ये आपका 90-95% या 100% कंप्लीट हो जाएगा, तब दूसरे ग्रुप की तैयारी करना शुरू करना। क्योंकि 9 महीने का टाइम है ना, साढ़े तीन 7 महीने में खत्म, लास्ट के 2 महीने आपके रिवीजन के लिए फिर भी बच जाएंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इसके बजाय एक पेपर यहां उठा लिया, एक पेपर यहां उठा लिया, एक यहाँ, तो बच्चे बाद में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए दोनों ग्रुप भी साथ देना, तो पहले मैं इंश्योर करूंगा कि एक ग्रुप तो मेरा 100% निकलेगा ही निकलेगा, और अपनी मेहनत को बढ़ाना है। जहां एक साथ 8 पेपर की तैयारी, मैं थोड़ा और मेहनत करके पहले 4 पेपर की तैयारी करूंगा इतने टाइम पीरियड में। इसके बाद बाकी का जो टाइम पीरियड होगा, इसका रिवीजन और इसकी तैयारी। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वो भी आपको इसी पैटर्न पे करना है। मैं या कोई भी फैकल्टी पता क्या चाहेगा, आप उसके सब्जेक्ट को पहले ज्वाइन करो जो वो पढ़ाता है। मतलब बुरा नहीं मानना, मैं क्या चाहूंगा, आप इसको और इसको पहले आप तैयारी करो, ताकि दोनों सब्जेक्ट्स मेरा आप पढ़े, मुझे खूब सारे पैसे मिलेंगे। आपको मेरी बात में नहीं आना, वो गलत एडवाइस कर रहा हूं मेरे बच्चे। आपका काम क्या होगा कि पहले एक ग्रुप पूरा, फिर दूसरे ग्रुप पे, यही तरीका करना है। मैं शॉर्ट करता हूं बातों को। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? अगर आप छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, तो पहले एक ग्रुप की तैयारी कीजिए, फिर दूसरे ग्रुप की तैयारी कीजिए, ये पास कीजिए, ये पास कीजिए, फिर आर्टिकलशिप में जाइए, फाइनल में जाइए, काम पूरा कीजिए। रैंक लाना है तो हम फाइनल में देंगे, फाइनल में लेकर आएंगे क्योंकि वहाँ पर उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके बाद आपके पास 3 साल का टाइम होगा आर्टिकलशिप का। 3 साल के बाद आपको फाइनल के एग्जाम में जाना है, तो वहाँ पर 3 साल हमारे पास है मेरे बच्चे रैंक की तैयारी करने के लिए, यानी कि दोनों ग्रुप एक साथ देने के लिए हम वहाँ देंगे। फायदा होगा जी वहाँ पे, और ज़्यादा प्लेसमेंट में बहुत फायदा होगा, बहुत रुतबा मिलेगा कि फाइनल में रैंक लेकर आया है। यहाँ तो मैं तरीके से बढ़ूंगा, नॉलेज गेन करूँगा। फिर भी अगर हमने सपना बैठाया कि नहीं जी मुझे रैंक लाना है, इंटर में भी दोनों ग्रुप देने हैं, तो भी मैंने बता दिया पहले तैयारी एक ग्रुप का जल्दी से ख़त्म करो, फिर दूसरे पे और पहले का रिविजन, ये तरीका फॉलो कीजिए। हाँ, पासिंग कंडीशन तरीका क्या है, और क्या दोनों ग्रुप एक साथ देने से कुछ आपका मार्क्स में फायदा है, हम उसका छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो पास होने के लिए आप सबको पता होगा कि 100 मार्क्स के चारों पेपर होंगे, 100 100 100 100। इसमें 40 लाना है, 40 40 एंड 40, यानी कि आपका 40 40 40 40 आया चारों में पास, लेकिन एग्रीगेट मिला के आपका 200 होना चाहिए, मतलब 50% जो आपका फाउंडेशन में हुआ करता था, बिल्कुल वही पैटर्न आपका। इंडिविजुअली आपको 40 40 40 लेकर आना है, बट एग्रीगेट कितना होगा जी, 50, यानी कि 200 मार्क्स। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ग्रुप 2 में भी क्या होता है कि इंडिविजुअली आपको 40 40 लेकर आना है, लेकिन इकट्ठा आपको कितना जी, 200 आपका, यानी कि 50%। ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है। यहाँ पे दोनों ग्रुप देने वाले बच्चों को कुछ फायदा होता है, मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लूँ, स्ट्रेटजी बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। पता है क्या है दोनों ग्रुप देने का एक और फायदा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे आपका आ गया 40 40 40 40, तो कितना बना यहाँ पे 160। और मान लो यहाँ पे आपके मार्क्स आ गए जी 70 60 80, और मान लो आपका यहाँ पे 50, कुछ भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जरा बताओ कितना आ गया, 130 190 260 260 आपका। अगर मैं इसका एग्जाम अलग देता, इसका एग्जाम अलग देता, तो यहाँ पे मेरे 40% मार्क्स हैं, यानी कि मैं यहाँ पे फेल था, और यहाँ पे 50 से ज़्यादा है, मैं पास था। एक ग्रुप फेल, एक ग्रुप पास, अगर मैं अलग अलग एग्जाम देता। लेकिन अगर दोनों ग्रुप में एक साथ देता हूं तो मेरे बच्चे, इंस्टीट्यूट ने आपको एक फायदा दिया है कि आप देखो क्या 40 40 40 40 सब में है, यस, इंडिविजुअली आप सब में पास हो, लेकिन जरा चेक करो कि एग्रीगेट आपका जो है 160 एंड 260 मिलके कितना हो गया, ये आ गया आपका 420 420, यानी कि अबव आपका 50% से ज़्यादा। तो अगर 50% या उससे ज्यादा आ गया तो फिर क्या होगा जी, अब मैं दोनों ग्रुप पास हो गया। मतलब दोनों ग्रुप एक साथ देने का एक फायदा है कि अगर एक ग्रुप में एग्रीगेट आपका नहीं बनता, जितने की कमी आती है, अगर दूसरा ग्रुप उसको कंपनसेट कर देता है तो दोनों को मिला के चेक किया जाएगा और आप पास माने जाएंगे, दोनों ग्रुप निकल गया। ये एक फायदा है, लेकिन मेरे बच्चे ये इतना बड़ा फायदा नहीं है जिससे कि हमारी स्ट्रेटेजी ही चेंज हो जाए नॉलेज गेन करने की। बार बार कह रहा हूं मैं आपको, बार बार कह रहा हूं कि नॉलेज गेन करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छा नॉलेज आपका यहाँ पे होगा, उतना अच्छा आप आर्टिकलशिप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और उतने अच्छा आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा फाइनल के लिए। फाइनल में भी आप जाएंगे तो इन्हीं चीज़ों को वहाँ पे पढ़ना थोड़ा और हाई लेवल पे, तो यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वहाँ दिक्कत आएगी, इसलिए आप ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको होती है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट एक और फ़ायदा आपको देता है कि मान लो आपके क्या है जी, कि मान लो मैं अब एक ही पे लेता हूँ, ऐसे किसी पे भी ले सकता था, चलो इसी पे ले लेता हूँ मैं, कि यहाँ पे आपका सपोज दैट अकाउंटेंसी में मान लो आपके 90 आ गए, यहाँ पर मान लो आपके 45 आ गए, यहाँ पर मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके 39 आ गए, और यहाँ पर मान लो आपके आ गए 50, ठीक है ना। तो अब देखो सर यहाँ पे 90, हाँ मेरा सब्जेक्ट है ना, मैं जानता हूँ मैं क्या देता हूँ, तो आप छोड़ो उस बात को, पहले मेन चीज़ पर मैं इसमें फेल कैसे होने दे सकता हूँ। ये चारों पेपर मिला के आपके जो है जो मार्क्स आ गए वो अबव आपका 50% है, यानी कि एग्रीगेट से तो पास हो, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे 40 से कम आपका है, 40 से कम होने का मतलब कि आप फेल हो गए, यानी कि इंडिविजुअली 40 40 40 40 तो होने ही चाहिए, एग्रीगेट के अंदर में क्या होगा आपका 50% बनना चाहिए यहाँ पे आपका। तो अगर मान लो 40 से कम आया तो ग्रुप आपका फेल हो गया, फिर से अगली बार पेपर देना पड़ेगा। सेम चीज ग्रुप 2 के साथ भी है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आपको फायदा क्या दिया है, जिस पेपर में 60 या उससे ज्यादा आ गया, 60 या उससे ज्यादा, वो पेपर अगली बार आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। मतलब अगली बार आपको सिर्फ 3 पेपर देना है और ये 3 पेपर का जो मार्क्स आएगा प्लस ये 90 मार्क्स मिलके आपका 50% बनना चाहिए। तो मेरे बच्चे आपका ये मतलब अगर कोई पेपर जिसमें 60 या उससे ज्यादा आता है तो दैट पेपर विल बी एग्जेम्प्टेड, अगर आप चाहते हैं तो, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कई सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि किसी के 65 आ गए किसी पेपर में और मान लो वो फेल हो गया, एग्रीगेट नहीं बना, चाहे आपका किसी में आपका 40 से कम आ गया, तो वो क्या करता है, जोश में बोलता है यार मैं इस बार 65 लाया, इसमें 85 लेकर आऊँगा अगली बार और पेपर दोबारा दूंगा। वो गलती मत करना, जो पेपर एग्जेम्प्ट हो चुका है बस उसको छोड़ो आप, क्योंकि यहाँ पे इस डिग्री में मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है कितना आप लेकर आते हो, डिग्री में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके नाम के साथ वो डिग्री जुड़ी कि नहीं जुड़ी। तो फिर जिसमें 60 प्लस आ चुका दोबारा क्यों पेपर दूंगा जी, 90 आ गया ना मैं तो 98 लूंगा, क्यों करूंगा, अरे बाकी की तैयारी करो ना, बाकी की तैयारी करो, मजा आएगा आपको यहाँ पे। समझो मेरी बात, तो ये स्ट्रेटजी जो है आपको यहाँ पर देखना होगा। और हाँ, अब पढ़ने के लिए इंटर में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा एज कंपेयर टू फाउंडेशन से, ऐसा भी नहीं है। यहाँ भी मेरे बच्चे 4 से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी करो ना, जो अपार्ट फ्रॉम ट्यूशंस के जो टाइमिंग होते हैं उसके बाद 4 से 5 घंटे बच्चा कॉन्टिन्यूस स्टडी करेगा, ये भी निकल जाएगा, चाहे एक ग्रुप हो चाहे 2 ग्रुप हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। टेंशन कम रखना होगा, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना होगा, परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा, इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना होगा, लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा, तब जाके बातें बनेंगी। क्योंकि अब इंटर के बाद जो आपका ट्रेनिंग शुरू होगा ना बच्चे, आर्टिकलशिप, वो आर्टिकलशिप किस टाइप के फॉर्म में कर रहे हो ये मैटर करेगा, आपका जो स्किल है उसके ऊपर में, सिर्फ मार्क्स नहीं। आपका जब वहाँ इंटरव्यू होगा, अच्छी अच्छी कंपनी जो है, वो बड़ी बड़ी जो कंपनी जो है आपका सीए फर्म, वो आपका इंटरव्यू लेती है, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका रीजनिंग, आपका पर्सनालिटी सब चेक किया जाएगा। और जितना अच्छा आपको सीए फर्म मिलेगा उतनी ज़्यादा आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि उतने अच्छे काम सीखेंगे। आर्टिकलशिप कौन से सीए फर्म में करें, कौन से सीए फर्म में ना करें, कौन सा आपके लिए अच्छा है कौन सा खराब है, वो तो बाद का डिस्कशन, अभी तो एंजॉय करो। अभी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आपका आया है और इंटर के जो आपका तैयारी उसके अंदर में आप एंट्री कीजिए, मैं यही चाहूँगा। इसके अंदर में बहुत सारी बातें लोग बोलेंगे, फाउंडेशन तो जब हमारा फाउंडेशन नहीं निकला था तो यार सीए बहुत टफ है, मत करो मत करो, आपने फाउंडेशन निकाल लिया, अब हम इंटर में आ चुके हैं। अब लोग बोलेंगे इंटर बहुत टफ है, फाउंडेशन तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो बच्चा पास ही नहीं होता। आप इंटर भी निकालोगे, मुझे पता है, जिस दिन आप इंटर निकालोगे वो लोग पता क्या बोलना शुरू करेंगे, इंटर निकाल लिया लेकिन फाइनल जरा निकाल के दिखाओ, वो तो बहुत टफ है, कोई नहीं निकाल पाता। आप फाइनल भी निकाल लोगे। ये जो निगेटिव बातें करते हैं ना लोग, हमेशा वो वही लोग हैं जो आपको कभी आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, वो बार बार आपको पीछा करेंगे, पीछे करने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे। उनकी बातें मत सुनना, वो बदमाश हैं, वो कभी आपको ऊपर देखना नहीं चाहते। आप पढ़ो ना, हर एक चीज़ का आपका एक स्टेज होता है। और मैं सच्चाई बताऊं, ये नाम के साथ जिस दिन डिग्री आपकी जुड़ गई ना, आपको पता चलेगा वही लोग जो आपको कल को काटा करते थे आपके सामने सलाम करेंगे, आपके आगे पीछे घूमेंगे और चाहेंगे कि दो वर्ड कम से कम उनसे आप बात कर लो, मजा आएगा। उस टाइम के लिए आप जब इस प्रोफेशन को कंप्लीट कर लोगे। मेरे बच्चे जो हमारे सीएमए के बच्चे हैं और जो अभी तक सोच रहे हैं कि सर सीएमए के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर दो, उनके लिए ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे वीडियो है इसको लेकर कि सीएमए के में आपका एक ग्रुप दे, दोनों ग्रुप दे, क्या करें, क्या स्ट्रेटजी वहाँ पे, वो मैंने अलग से डिस्कशन किया हुआ है। आप कमेंट में ये मत लिखना कि सर सीएमए या सीएस के बारे में बताइए, उनका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, एक बार चैनल पे मेरा सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। आज तो हम सीए वाले बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मुझे इनसे प्यारा, इनसे अच्छा कोई लगता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मेरे बच्चे आप देखिए क्या करना, मैंने शॉर्ट में सारी बातें आपको बता दी है। अब ये आपका ट्रेनिंग कितने पीरियड का है, क्या है, फाइनल में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो तो आप अपने आप बड़े हो जाएंगे जब इंटर में आप एंट्री करेंगे। और बीच बीच में आपसे बातें करते रहूँगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे फिर आगे कहीं और फिर मस्ती करेंगे इस महापर्व में जो आप एंट्री किए हो, ये जो आपने एक सक्सेस पाया हुआ है, आज वो एंजॉय करो, आज एंजॉय करो। और फिर देखते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, गिर गए, फेल हो गए तो भी टेंशन नहीं है, अगली बार आगे बढ़ूंगा। और जो लोगों ने आज मुझे पीछे किया है, ये दौड़ लंबा है, ये रिले रेस है, मैं उनसे आगे निकल के दिखाऊंगा। और जो बच्चे पास कर गए, अहंकार नहीं करेंगे, अहंकार नहीं, ये पास हो गया वो फेल हो गया, ना 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 ना, अभी और आगे मंजिलें हैं। उनको जिन्होंने, जिनको मैं पीछे कर चुका हूं, मैं उनको अब आगे नहीं होने दूंगा, मुझे और रेस को तेज करना है और इस रेस को जीतना है। बस इतनी ही बातें दिमाग में रहेंगी और आगे बढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे बच्चे। आप सभी चाहे फेल चाहे पास, मम्मी पापा का आशीर्वाद दीजिए और अपने आगे लाइफ को बढ़ाना शुरू कीजिए। आप सबको बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू जी।